many manus are Surya Gharibi, ex DYSP Gosami, jinhone ye karyalay banaya aur Sri D.P. Jain, Rajkumar Mishra, Shailen D.P., Jitesh Bora, Vincent Vaz, Vipal Bishnoi, Fathe Ji, Abdul Bhai, sabhi, sabke naam nahi bol raha hai, उपस्थित सभी भाइयों को चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव आने वाले 21 अक्टूबर को होने जा रहे हैं। मैं एक विशेष बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि लोगों को इस बात से अवगत जरूर कराएं कि ये चुनाव लोकसभा का नहीं है, ये चुनाव दिल्ली का नहीं है, ये चुनाव कोई राष्ट्रीय स्तर का नहीं है, ये चुनाव विधानसभा का। अब ये विधानसभा के चुनाव में आपको अपने शहर का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति को आपको चुनना है, ये कहना बहुत जरूरी है, वरना भाजपा हाथ दिखाएगी दिल्ली की तरफ और हाथ चलाएगी मीरा भयंदर में। 5 साल पहले लोगों ने उनके विश्वास करके उनको चुन करके भेजा, उनके प्रतिनिधि को, उसने पूरे शहर में हाथ चला दिया और किस तरह से हाथ चलाया ये आप और हम सब अच्छी तरह भली भांति जानते हैं। मेरा चुनाव प्रचार उन्होंने क्या किया, भाजपा ने क्या किया, क्या भ्रष्टाचार किया, क्या अन्याय किया, ये दो अल्फाजों में उनका सारा बयान हो जाता है। और इसीलिए मैंने कार्यकर्ताओं से भी मेरी विनती है कि बार बार उनका नाम लेकर के उन्होंने क्या किया है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शहर जानता है, लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार किसने किया और शहर में अन्याय किसने किया। जरूरत है जब हम प्रचार की बात करते हैं तो हम क्या करना चाहते हैं शहर के लिए, इन मुद्दों के ऊपर आपको बताना जरूरी है। ये जरूर आप बताइए कि जो मुद्दे हम बता रहे हैं कि अगले 5 साल में हम ये करना चाहते हैं, आप जरूर ये बता सकते हैं। तो पीछे बात करना जरूरी है, आप ये जरूर बता सकते हैं कि पिछले 5 सालों में इन मुद्दों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी काम तो छोड़ दीजिए विचार तक नहीं किया गया। अब मैं अगर आपसे कहूं पूछूं क्या भयंदर महिला स्पेशल ट्रेन की वृद्धि की गई, महिलाएं बैठी है, जवाब दीजिए महिलाएं, मिसेस वोरा ट्रेन में जाते नहीं हो क्या, महिला ट्रेन जो चल रही थी उसको बढ़ा करके बढ़ाई गई क्या पिछले 5 साल से, क्या भयंदर से जो ट्रेन छूटती है उसमें वृद्धि हुई, क्या भयंदर स्टेशन का विकास हुआ, दो एस्केलेटर दो लिफ्ट लग गई कितने साल लगे, और उसके लिए हम लोगों ने भी प्रयास किया 2015 में हमने उसकी मंजूरी कराई, उद्घाटन चाहे कोई भी करे, टोल नाका हटाने की बात थी, कितने लोग जानते हैं कि सेना बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि मुंबई से एंट्री पॉइंट में से हम टोल नाका हटा देंगे, आप में से कितने लोग जानते हैं, हटा नहीं, नहीं। तो ये हटाना हमारा निर्धार है, महिला स्पेशल ट्रेन बढ़ाना ये हमारा निर्धार है, भयंदर लोकल ट्रेन बढ़ाना ये हमारा निर्धार है, मीरा रोड लोकल ट्रेन शुरू करना ये हमारा निर्धार है। इस शहर पे आपके ऊपर गब्बर सिंह टैक्स लग गया कि नहीं लग गया, जानते हो ना आप लोग, उसे हटाना हमारा निर्धार है। ये शहर में पिछले 5 साल में पानी बढ़ा नहीं, आपका पानी का बिल बढ़ गया, सही है गलत है, सही है, उसे कम करना है और पानी बढ़ाना है, यह हमारा निर्धार है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बन पड़ा है, कचरा उठाने का जो टेंडर कांग्रेस राष्ट्रवादी के जमाने में 1 करोड़ का दिया जाता था, आज 100 करोड़ का देना दिया जा रहा है। महापालिका पिछले 5 साल में 750 करोड़ रुपए के कर्जे में चली गई, कोर्ट की बिल्डिंग जितनी हमने 5 साल बनाकर जो पहले छोड़ी थी वही कंडीशन में पड़ी है। पुलिस कमिश्नरेट का ये भले ही नारा देते हो लेकिन इसे करने के लिए हमको 20 साल लगे हैं,
10 साल तक के लगातार विधान परिषद के अंदर सवाल हमने उठाए, तब जाकर के अब ये इन्होंने डिक्लेयर किया चुनाव के माध्यम से। रास्तों का हाल आपके सामने है, करोड़ों करोड़ों रुपए जो है पैचों पे खर्च किया जाता है, मगर उसके बावजूद रास्ते की परिस्थितियां पूरी हुई। चंद गली के कंक्रीट के रास्ते दिखाए जाते हैं, मगर उन रास्तों की परिस्थिति जो बन के 6 महीने में हुई वो शहर के लोगों के सामने है। बोर्ड शहर में लगाया जाता है कि मुझे घर में मेरे घर में गैस की लाइन आ गई, ऐसी महिला की तस्वीर लगाई जाती है, ऐसी महिला का नाम लिखा जाता है जो 20 माले की बिल्डिंग में रहती है। मुझे पता नहीं है वो 20 माले की बिल्डिंग में चूल्हा लकड़ी का कब से चलता है। ट्रेन मेट्रो के ऊपर जिस शख्स की फोटो लगाई गई है, क्रिश्चियन भाई है, वो पार्ला में रहता है, लेकिन उसको मीरा भयंदर में मेट्रो आई भी लेकिन उसको गर्व हो गया। तो ये झूठी बातें, झूठी पोस्टर, जितना काम झूठी बातें भाजपा के उम्मीदवार ने, विधायक ने अपने मैनिफेस्टो में 5 साल पहले लिखा था, आज सारी झूठी बातें उन्होंने मुझे गर्व होकर बोर्ड से लगाया। मुझे उससे चिंता नहीं, हमें चिंता है कि जो 5 साल में ये शहर की जो जरूरत थी उसे पूरी नहीं हुई है, हमको उसे पूरा करना है, ये हमारा निर्धार है। और हम वही वचन आश्वासन लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। अब आप लोगों के सामने ये बातें भी आएंगी, केंद्र में हम हैं, राज्य में हम हैं, शहर में हम हैं, तो ये कैसे सब काम कर सकते हैं? तो वही तो सवाल है मेरा कि अगर सब जगह आप हैं तो फिर ये काम क्यों नहीं हो रहे? यही सवाल है हमारा। जब वो कहेंगे कि केंद्र में हम हैं, राज्य में हम हैं, महापालिका में हम हैं, तब हम कहेंगे कि फिर क्यों अन्याय और अत्याचार, फिर क्यों टैक्स में बढ़ोतरी, फिर क्यों किसान को पानी नहीं, फिर क्यों ट्रेन नहीं, फिर क्यों टॉल नहीं, फिर क्यों कचरा नहीं, क्यों ये समस्या बनी है? अगर सत्य के आप हैं और समस्या का समाधान करने के लिए सत्ता की जरूरत नहीं होती, संघर्ष और डिटर्मिनेशन की जरूरत है। मुझे पूरा यकीन है आज तक के भगवान की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से, जो कुछ भी जीवन में हमने निश्चय किया, निश्चित किया, हमने उसे पूरा करने की कोशिश की, भगवान के आशीर्वाद से हमने उसे पूरा किया है। सरकार किसी की भी हो, अरे महात्मा गांधी जी तो अंग्रेज सरकार के खिलाफ अकेले लड़े थे, अकेले लड़े थे, तब तो सरकार भी नहीं थी, घटना भी नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं था, अंग्रेज की लाठी और उनका कायदा था। अब तो इस देश में घटना है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट है, स्टेट है, सब कुछ लॉ एंड जुडिशरी से चलता है। ये बात अलग है कि सत्ता के गलियारे में लोग अपनी जिम्मेदारियां, मीडिया हो या अधिकारी हो, वो भूल जाते हैं और एक तरफा चलते, मगर जनता की आवाज के आगे किसी की नहीं चलती। और मैं आप लोगों को यही आश्वासित करने आया हूं और यही आप लोगों से मदद मांगने आया हूं कि आने वाले 21 तारीख को कांग्रेस के सिंबल पे बटन दबा करके बहुमतों से चुन करके भेजिए, ऐसा निवेदन लेके, ये जाहिरनामा लेकर के आपको लोगों के घर घर जाना है, घर घर जाना है, सोसाइटी सोसाइटी जाना है, मोहल्ले मोहल्ले जाना है। आप जब तक के जाओगे नहीं, लोगों को आप क्या करने वाले हो ये पता नहीं लगेगा। लोगों को ये पता है कि इस शहर में भ्रष्टाचार हुआ है, लोगों को ये पता है इस शहर में अन्याय हुआ है, मगर लोगों को ये पता नहीं कि हम क्या लेकर के लोगों के सामने जा रहे हैं। लोगों को ऐसा लगेगा कि दो लोग लड़ रहे हैं, इसके लिए मुजफ्फर हुसैन चुन के आने वाला है। नहीं, मुजफ्फर हुसैन अपने काम पर चुन के आने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जनसंपर्क कार्यालय जो है यहाँ के माध्यम से जनसंपर्क होगा। जैन साहब, आप यहाँ पे इस दफ्तर के इंचार्ज हैं, जिला अध्यक्ष इसी प्रभाग में रहते हैं, 2 नंबर की जवाबदारी, 5 नंबर की जवाबदारी उनके तरफ दी गई है, विंसेंट वाज है, और कभी बाकी के जिम्मेदार सब लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोगों को चाहिए कि शाम में यहाँ बैठे, जहाँ भी वार्ड में वोट कर रहे हैं यहाँ बैठे, यहाँ मीटिंग करें, लुप छुप करके कोई मीटिंग करने का काम नहीं, अपना जो कुछ है सब कुछ खुला है, साफ सुथरा है, अपने पास ना कोई धन है ना संपत्ति है,
ना कुछ बांटने के लिए है, ना लोगों की जेब से कुछ निकालने के लिए। ये लोगों की जेब से निकालने का काम कोई का अच्छी तरह से कर रहा है। रात में चोरी करना और सुबह बांटना, तो एक डकैत की स्टोरी आपने सुनी होगी, रॉबिन हुड। और भी बहुत सारे, दिन में बांटता था। तो अब वही चलेगा, अब वही चलेगा कि आपका छपरा लगा देते हैं, आपकी टाइल लगा देते हैं, आपका गेट बना देते हैं, दर्शन को भेज देते हैं, मंडल को दे देते हैं, कुछ चंदा लगा देते हैं, यही चलेगा। मगर हमको अपने काम पर, अपने जाहिरनामे पे, हम शहर के लिए क्या करना चाहते हैं, उन मुद्दों पे आपको हमको चलना है। मगर इन बातों को लोगों तक के पहुंचाने का काम इस दफ्तर से आप लोग करोगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। आज शाम में गिरवल जी ने मुझे सवेरे ही फोन किया कि साहब आपको आना ही पड़ेगा गौगर में ये भंडारा के लिए, तो मैं 7-7:30 बजे के करीब वहां पहुंचूंगा। आप सब लोगों से गलती है कि आप सब लोग वहां पर उपस्थित रहे। भयंदर के फिर बालाजी नगर महेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी चिंत किया कि आज कैसे भी करके आप आइए, तो 10:30 बजे के करीब वहां पर मैं रहूंगा। अब मेरा क्या हाल होगा, पेंडुलम के जैसा हो गया, सवेरे सवेरे कोई फोन कर देगा ऐसा आपके तक पहुंचना है, कार्यक्रम निश्चित रहता है। अब उसमें किसी को आगे पीछे किया तो वो नाराज नहीं गए थे, दूसरे नाराज। अब ये नाराजगी का मौसम है, पर कोई नाराज ना हो तो अच्छा है इस वक्त, नाराज होना नहीं है। कांग्रेस का वर्कर सबसे ज्यादा नाराज होता है, होना नहीं चाहिए। कांग्रेस का वर्कर सबसे ज्यादा नाराज हो जाता है, जल्दी से हो जाता है। तो इसके लिए मेरे साथ ढाई मिनट से बता रहा हूँ कि थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिए। मेरे को किसी का मन कटाव करने का मन में इच्छा नहीं है, किसी को बंदूक देने का मुझे इच्छा नहीं है। मगर लास्ट मोमेंट पे किसी का कार्यक्रम ऐड हो जाता है, एडमिशन होता है, तो अगर मैं कहीं पहुंच गया हूँ और आप लोगों को नहीं बताया हूँ, तो हाथ जोड़ के विनती है कि बिल्कुल नाराज मत होइएगा, समझ लीजिएगा कि अचानक कार्यक्रम चला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।